दोस्तों, बच्चों के पेट में क्या होता है, गैस का बनना होता है, गैस बनता है, पेट में दर्द होती है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, छोटे होते हैं, वो बता नहीं पाते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो रोते रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और लेके आए हैं दोस्तों इस वीडियो में हम मेफ्टाल इस्पात सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, जो मेफ्टाल इस्पात सस्पेंशन होता है, इसके क्या कंपोजिशन होते हैं, बच्चों में किस कंडीशन में दिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कि बच्चों को कितनी मात्रा में देनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जो मेफ्टाल इस्पात सस्पेंशन होती है, इसके कंपोजिशन में डाइसाइक्लोमीन होती है जो की 10 mg में होती है, एंड दोस्तों इसमें साइमेथिकॉन होती है जो की 40 mg में होती है। बात करें दोस्तों मेफ्टाल इस्पात सस्पेंशन के जो बेनिफिट होते हैं, यूज होते हैं, बच्चों के अगर पेट में दर्द होता है, ऐठन सी मरोड़न सी दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों, जैसे कि बच्चों में ब्लॉटिंग होना यानी कि गैस का बनना, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो इसमें डाइसाइक्लोमीन होती है, ये एक एंटी स्पाज्मोडिक होती है यानी कि पेट दर्द के लिए काफी फायदेमंद होता है। दूसरा, जो इसमें साइमेथिकॉन होती है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट होती है यानी कि बच्चों के पेट में गैस बनता है तो ऐसी कंडीशन में उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। बात करें दोस्तों, जैसे बच्चों में जब पेट दर्द होता है तो जो इंटेस्टाइन होती है, जो स्टमक होते हैं, वहां के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी जगह से, तो इसलिए बच्चों में ऐठन सी मरोड़न सी दर्द होने लगती है और बच्चा काफी रोता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों, ये कैसे काम करता है, तो बच्चों के जो स्टमक होते हैं वहां एसिड को कम करने में मदद करता है, गैस को कम करने में मदद करता है, और दूसरा जो डाइसाइक्लोमीन होती है, बच्चों के जो इंटेस्टाइन होते हैं, जो स्टमक के मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको रिलैक्स करता है, केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है जो कि पेन के कारण होते हैं, दर्द के कारण होते हैं, तो इस तरह बच्चों में गैस और पेट दर्द से राहत दिलाता है ये मेफ्टाल इस्पात सस्पेंशन। बात करें दोस्तों इसकी डोज के बारे में, यानी कि कैसे लेना है, बच्चों में कितनी मात्रा में देनी है, तो 2.5 ml आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 मंथ से एबव है, 5 मंथ से ज्यादा है, तो उसको आप 2.5 ml दे सकते हैं। अगर 5 महीने से कम है तो उसे इस सिरप को लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अब बच्चे के अकॉर्डिंग दिया जाता है, आप चाहे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं। दूसरा जो सावधानी है दोस्तों, आपको 20 ml से ज्यादा नहीं देना है एक दिन में, ठीक है। हर 8 घंटे के बाद इस सिरप को आप बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो बच्चे के मुंह में सूखापन हो सकता है, बच्चे को क्या होता है, चक्कर आ सकता है, कमजोरी फील हो सकती है, बच्चे को नींद भी आने लगती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। और बच्चों में क्या होता है भाई, नौजिया यानी कि वोमिट फील हो सकती है या पलटी हो सकती है। तो ये रही पूरी जानकारी मेफ्टाल इस्पात सस्पेंशन के बारे में। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।